नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजाथायोप्रिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एजाथायोप्रिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एजाथायोप्रिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजाथायोप्रिन टैबलेट एक इम्यूनो सप्रेसेंस ड्रग क्लास की दवा है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है। हमारे शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हमारा शरीर ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे, इसलिए ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए एजाथायोप्रिन टैबलेट दी जाती है। एजाथायोप्रिन टैबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत ही कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता है और ट्रांसप्लांट किया गया नया ऑर्गन आसानी से काम कर पाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस होने पर भी एजाथायोप्रिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एजाथायोप्रिन एक सॉल्ट नेम है। एजाथायोप्रिन टैबलेट को इमोप्राइन, AZR, एजोरेन और इनोम्यून आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। एजाथायोप्रिन टैबलेट 25 mg, 50 mg व 75 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एजाथायोप्रिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एजाथायोप्रिन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में बहुत ज्यादा थकान व कमजोरी होना, चक्कर आना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, आंखों, होंठों और चेहरे पर सूजन होना, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द होना और सांस लेने में दिक्कत होना आदि साइड इफेक्ट्स एजाथायोप्रिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। एजाथायोप्रिन टैबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है, जिसकी वजह से वायरल, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आपको एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजाथायोप्रिन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण हो सकते हैं, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को एजाथायोप्रिन टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर एजाथायोप्रिन टैबलेट की डोज को शरीर के वजन के हिसाब से 1 mg से लेकर 4 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से लेने की सलाह देते हैं। एजाथायोप्रिन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजाथायोप्रिन टैबलेट को दूध या किसी अन्य डेयरी प्रोडक्ट के साथ लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। एजाथायोप्रिन टैबलेट को दूध या किसी अन्य डेयरी प्रोडक्ट को लेने से 1 घंटे पहले एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेना चाहिए, और यदि आपने दूध या किसी अन्य डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही, लस्सी आदि का सेवन कर लिया है तो एजाथायोप्रिन टैबलेट को दूध या कोई अन्य डेयरी प्रोडक्ट को लेने के 2 घंटे बाद ही एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को एजाथायोप्रिन टैबलेट को लेने के बाद चक्कर आते हैं या नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को एजाथायोप्रिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एजाथायोप्रिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एजाथायोप्रिन
अजाथियोप्रिन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अजाथियोप्रिन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका अजाथियोप्रिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।